हेलो फ्रेंड्स, प्रीति वेज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ ऐसी इजी सी रेसिपी जो झटपट से बन के रेडी हो जाती है। तो अगर आप कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हो जो सुबह झटपट से अपने बच्चे लोग को बना के दे सकते हो, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही जल्दी बन जाता है और थोड़ा हेल्दी भी है क्योंकि हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो चलिए फिर झटपट से इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में पनीर कट कर लिया है। इसे हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए स्वीट कॉर्न, तो यहाँ पे मैंने बॉयल स्वीट कॉर्न लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा सेजवान, थोड़ा सा रेड चिली सॉस और ऊपर से हम ऐड कर लेंगे टोमेटो केचप, जिससे बढ़िया खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मेयोनीज़, ग्रेटेड चीज़। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छी तरीके से इसे ग्रेट करके यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और अच्छे फ्लेवर के लिए पिज़्ज़ा मिक्स। सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बस झटपट से हमारी एकदम ईजी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है वाइट ब्रेड। ब्रेड आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो आपको खाना पसंद हो, ब्राउन या तो वाइट। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड लिया है। इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे ग्रीन चटनी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे स्टफिंग को और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ऊपर से भी ऐड किया चीज़ स्लाइस वाला। आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो। स्लाइस चीज़ ऐड करने से और भी बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे ओरिगैनो। और बस इसे कवर करके हम टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। ऊपर से हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे बटर। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने बटर स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सैंडविच बनाने वाले टोस्टर को यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉर्मल तवे पे भी इसे सेक के रेडी कर सकते हो। अच्छे से दोनों तरफ बटर लगा के हम इसे टोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से टोस्ट करने से मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगते हैं और एकदम बढ़िया हमारी क्रिस्पी सैंडविच बन के रेडी हो जाती है। तो हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सैंडविच बन के रेडी है। तो ये लीजिए, झटपट से बन के रेडी है सुपर क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पनीर कॉर्न सैंडविच। तो अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।